देखिए एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी अब एनडीए में बगावत का झंडा उठा लिए हैं। उन्होंने मीडिया में आकर साफ तौर पर कहा कि हमें मंत्रिमंडल में 2 सीट चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी को मंत्रिमंडल में केवल 1 सीट मिला है, वह भी उनके बेटे संतोष सुमन को मिला। अब जीतन राम मांझी को एक तरफ यानी कि महागठबंधन से कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी हमारे साथ आएंगे तो उन्हें हम मुख्यमंत्री बना देंगे। और इधर राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव चुप हैं, मौन हैं। और लालू प्रसाद यादव के चुप्पी के कारण दिल्ली के साथ साथ नीतीश कुमार भी घबराए हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बड़ा करीब से जानते हैं और लालू प्रसाद यादव अगर शांत हैं तो खेला हो सकता है। देखिए भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए, लेकिन 12 फरवरी को एनडीए को अपना बहुमत साबित करना है और बहुमत साबित करने में जीतन राम मांझी का बड़ा योगदान है। 4 विधायक जीतन राम मांझी के साथ हैं, लेकिन इस वक्त उनकी 4 विधायक की हैसियत बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी आरजेडी यानी कि महागठबंधन के साथ चल जाए तो फिर बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट सकता है। बिहार में जो एनडीए की सरकार अभी बनी है वह गिर सकती है। और जीतन राम मांझी इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार से भी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से भी कि हमें मंत्रिमंडल में 2 सीट चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी की बात नहीं मानी गई और जीतन राम मांझी के खाते में केवल 1 सीट दिया गया है। वहीं महागठबंधन के तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तक का ऑफर आया है। अब देखिए मुकेश सहनी भी इधर जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इससे पहले भी नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए हैं और दलित के बेटा हैं तो उन्हें जरूर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब देखिए बिहार के सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए भले एक साथ हो गए हों लेकिन दिल नहीं मिला है। और राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव भी बड़ा खेला करने की तैयारी में है, अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है। और तेजस्वी यादव के भाषण पर आपने गौर किया हो तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, हम अपना पत्ता अभी नहीं खोलेंगे यानी कि फ्लो टेस्ट में खोलेंगे। 12 तारीख को जिस दिन बहुमत साबित करना है उस दिन तेजस्वी यादव अपना पत्ता खोल सकते हैं और किसके पक्ष में जाएगा, क्या कुछ होगा, क्या एनडीए अपना बहुमत साबित करने में असफल साबित होगी कि एनडीए क्या उनके अंदर जो घटक दल है उनके अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चिराग पासवान है और चिराग पासवान भी जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर घूम रहे थे और चिराग पासवान अंदर ही अंदर उतने ही नाराज हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं लेकिन नाराजगी तो चिराग पासवान के अंदर भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए 28 जनवरी को उस दिन जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आए थे। वहीं जेपी नड्डा जो बिहार के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चिराग पासवान जब पहुंचे सभी की निगाहें टिकी रहीं कि आखिर चिराग पासवान को इतना महत्व बीजेपी क्यों दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ रही है कि चिराग पासवान बिहार के बहुत बड़े नेता हैं और लगभग 6% जो पासवान का वोट है वह चिराग पासवान के पास है, इकलौता उसके चिराग पासवान वोटर हैं।
सॉरी चिराग पासवान के पास वोट है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस बात को समझ रही है और एनडीए में जीतन रामाजी के बयान को अब खूब चलाया जा रहा है। जीतन रामाजी के बयान पर कयासों का दौर शुरू है कि क्या फिर से जीतन रामाजी कहीं आरजेडी में जाने का मन तो नहीं बना रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।